Hey everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? आज है दिवाली क्लियरिंग वीडियोस का पार्ट टू, यानी कि डे टू, जिसमें मैंने आज क्लियर की हैं अपनी कबर्ड्स, क्योंकि कबर्ड्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्लीन नहीं करते हैं. और इस दिवाली मैंने सोचा कि कबर्ड्स को अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए. वैसे भी 2 से 3 महीने हो गए थे मैंने कबर्ड्स के अंदर से डस्ट को रिमूव नहीं किया था. तो आप जो है अच्छे से दिवाली के टाइम पे हमेशा ध्यान रखें कि कबर्ड्स को क्लीन कर दे. हमेशा कवर्स चेंज करना या फिर न्यूज़पेपर चेंज करना ही जरूरी नहीं होता. अच्छे से उसे क्लीन करना, डस्ट फ्री रखना और स्मेल फ्री रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सबसे पहले आप जो है सारा सामान जो है वो बाहर निकाल दें अपनी कबर्ड्स में से. मैंने तीनों कबर्ड्स को आज क्लीन किया है. तो मतलब मैंने अपनी, अपने हस्बैंड की और मेरी जो जहां पर मैं अपना सामान रखती हूँ वो कबर्ड को भी मैंने क्लीन किया है, जो वीडियो से रिलेटेड सामान रहता है. तो मैंने सिर्फ अपने कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज किया है उसको शूट किया है, बाकी पार्ट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती. तो लेकिन मैंने टूर आपको सबका करवाया है. मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है. सबसे पहले तो मैंने कुछ सामान मंगाया था जो कि ऑर्गेनाइजर, सारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो मैंने अमेजोन से परचेज किए थे. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बाकी जो है उसकी क्लिप मैं यहाँ पर वीडियो में डाल दूंगी या फिर उसकी फोटो डाल दूंगी कि कौन से ऑर्गेनाइजर्स मैंने मंगवाए थे. वैसे मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में भी शेयर किए थे वो ऑर्गेनाइजर्स. तो 3 का पैक ये मैंने कुबेर इंडस्ट्रीज का अमेजोन से परचेज किया था. ये 3 पैक काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा सामान इसमें आ जाता है. तो जो कि विंटर वेयर्स हो सकते हैं, साड़ीज मैं बहुत कम पहनती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास है भी नहीं. सभी मेरे घर पे, मेरे होम टाउन में पड़ी है. तो यहाँ पर जो कपड़े हैं वो है मेरे इंडियन वेयर्स. तो उनको रखना मेरे लिए काफी ज्यादा सिरदर्दी हो जाती थी क्योंकि मैं ज्यादातर घर में कुर्तीज या फिर नाइट सूट्स या फिर जीन्स या टॉप ही पहनती हूँ. इतना ज्यादा मैं इंडियन वेयर्स नहीं पहनती हूँ. तो उनको मैंने सबसे पहले अपने इस ऑर्गेनाइजर के अंदर डाला और जितना भी मेरा विंटर वेयर का सामान था वो मैंने डाला. जैसे कि मेरे हस्बैंड के जितने भी कपड़े थे विंटर वेयर, यानी जैकेट्स हो गई, कोट्स हो गए, तो वो मुझे रखने थे क्योंकि वो बेड के अंदर मैं नहीं रखती. पुणे का वेदर थोड़ा ऐसा ही होता है तो वो कभी ना कभी यूज हो जाते हैं. और वैसे भी अभी सितंबर खत्म हो गया है, अक्टूबर आने वाला है तो ठंड बढ़ने वाली है, तो अंदर रखने का कोई फायदा नहीं था. तो अभी मैंने इसी के अंदर, ऑर्गेनाइजर के अंदर रख के इन्हें कबर्ड में ऑर्गेनाइज किया है. इससे काफी ज्यादा मेरा स्पेस भी बच गया और काफी ज्यादा कपड़े इसमें आ गए हैं. तो उसके बाद मैंने ये ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करने के बाद मैंने जो बास्केट्स होती हैं जो नॉर्मली अमेजोन पे या लोकल मार्केट में मिल जाती हैं, ये अमेजोन के बास्केट्स हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के. आप डीमार्ट पे भी ऐसी बास्केट्स का ले सकते हैं. तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले किया है जो मेरा लास्ट वाला सेक्शन था उसके अंदर मैंने अपने इंडियन वेयर्स जितने थे सारे के सारे उन्हें रखा है. और काफी सारे के सारे मतलब मेरे इंडियन वेयर्स उसमें आ गए थे. ऑलमोस्ट मेरे पास ज्यादा नहीं है, 8 से 10 सूट ही हैं, वो मैंने उसमें डाले, दुपट्टास डाले और जो मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पहनती हूँ, मुझे कहीं आना जाना होता है तो पहनती हूँ. और मेरे अनस्टिच लहंगाज भी मैंने वहां पर रख दिए हैं. अनस्टिच लहंगाज और साड़ीज को मैंने जो अभी मेरे स्टिच करानी है, जैसा कि जो एक दो है जो मेरे करवा चौथ पे स्टिच करानी है या अभी मेरी कजन की वेडिंग आ रही है तो मैं उसके लिए स्टिच कराऊंगी, तो वो कपड़े मैंने अभी बाहर ही रखे हैं क्योंकि अभी मैं घर पे जाऊंगी तो मुझे जरूरत पड़ेगी. उसके बाद मैंने एक और जो मैंने साड़ी ऑर्गेनाइजर लिया था उसमें मैंने सारे अपने शॉर्ट्स और अपनी ड्रेसेस रखी हैं, जो शॉर्ट ड्रेसेस है जो मैं नॉर्मली जो है वेकेशंस पे पहनना पसंद करती हूँ. मैं डेली बेसिस पे इस तरीके के शॉर्ट्स पहनना नहीं पसंद करती. घर पर मैं शॉर्ट्स पहन के कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मैं नहीं पहन सकती हूँ घर पर. तो उन शॉर्ट्स को मैंने जो है इसमें डाल के रखा है, जो कपड़े मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती. और हाँ, इसके साथ साथ मैं साथ डीक्लटरिंग कर रही हूँ. जो कपड़े मुझे लगता था कि मुझे फिट आएंगे, मैं पतली होंगी तो पहनूंगी, तो उनको मैंने निकाल दिया. जो कपड़े मैं नहीं पहनती थी, मुझे पसंद नहीं थे, मैंने खरीद के रखे हुए थे, 1 या 2 बार पहने हैं, उनको डोनेट करने के लिए मैंने अलग रख दिया है. या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं वो मैंने अलग रखे हैं, तो उन कपड़ों को मैंने रख दिया है. जो डोनेट करने वाले थे उन्हें मैंने साइड पर रख दिया है और बाकी कपड़ों को मैंने जो है बाहर फेंकने के लिए रख दिया है या डस्टर बना दिया है. तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, आप डस्टर्स बना सकते हैं या अगर आपके यूज में आता है तो आप कर सकते हैं. कैसे भी आप मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए. बाकी जो डीक्लटर वाला होता है, जो डोनेट करने वाले कपड़े होते हैं उन्हें निकाल दीजिए. हमेशा ध्यान रखें, डीक्लटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अपने साथ साथ डीक्लटरिंग करते रहें. जो कपड़े आप नहीं पहनते
उन्हें निकालते रहे, आपका घर काफी ज्यादा साफ रहेगा। कपड़े नहीं, इवन किचन आइटम्स भी जो आप नहीं यूज करते उन्हें डीक्लटर करते रहे, आपका घर काफी हद तक साफ रहेगा। उसके बाद जब डीक्लटरिंग मेरी हो गई तो मैंने ऑर्गेनाइज की अपनी सारी लेगिंग्स। मेरे पास ज्यादा ब्लैक कलर की लेगिंग्स है तो मैंने लेगिंग्स को एक बास्केट में लगाया और उन्हें कलर कोऑर्डिनेशन के तरीके से लगाने का ट्राई किया है। तो इस तरीके से मैंने लेगिंग्स लगाई हैं और उसके पीछे जितने भी मेरे स्कार्फ्स हैं जो कि मैं बाइक पे जाते हुए या टू व्हीलर पे जाते हुए मैं वेयर करती हूँ। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं तो हम ज्यादातर बाइक प्रेफर करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने जो स्कार्फ्स थे उन्हें भी मैंने एक बास्केट के अंदर रख दिया है और उन्हें पीछे करके रख दिया है, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली मैं ज्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, आसपास के लिए मैं स्कार्फ पहनना पसंद नहीं करती हूँ। अगर हम लॉन्ग टूर पर जाते हैं तभी पहनती हूँ या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तभी पहनती हूँ, तो वो स्कार्फ को मैंने रखे हुए हैं और उसके साथ साथ एक दो शॉर्ट्स जो मैं नाइट वेयर में पहनती हूँ वो रखे हैं। उसके साथ ही मैंने जितने भी मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, चाहे वो कुर्तीज हो या फिर हो मेरे टॉप, सबको मैंने एक साइड पर लगा दिया है। और जो मेरे डेली वेयर की टॉप्स रहते हैं जो मैं नाइट सूट में पहनना पसंद करती हूँ या फिर मैं घर पर पहनना, जो मेरे घर के कपड़े इन शॉर्ट घर के मेरे टॉप रहते हैं, उनको मैंने एक बास्केट में लगा दिया है ताकि मैं जब भी मेरा मन हो तो मैं वहां से उठा सकूं। उसके साथ आगे ही मेरे कुछ एक टॉप ऐसे हैं जो ड्रेसेस हैं, जो वन पीस हैं जो मैं घर में पहनती हूँ, उनको भी मैंने उसके आगे लगा दिया है। मेरी कवर बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब लेयर्स कम है लेकिन हाइट वाइज काफी ज्यादा है। उसमें अगर एक और पार्टीशन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बनाई है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है, ये भी मैंने अमेज़न से ही ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे जिसमें मैंने अपने सारे इनरवेयर्स रखे हुए हैं। एक जगह मैंने सारे ट्रंक टॉप्स रखे हुए हैं और एक जगह मेरे सारे इनरवेयर्स रहते हैं, तो ये भी ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर वाला जो होता है कपड़े का, ये भी कुबेर इंडस्ट्रीज का था, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं पिछले 1.5 साल से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, काफी अच्छा है, काफी अच्छे से अरेंज हो जाती है सारी चीजें, तो वो रखा हुआ है। उसके साथ की जो ब्लू वाला आप ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं इसमें सारी मेरी स्पैगेटीज हैं जो डेली वेयर में मैं यूज करती हूँ, तो ये मैंने DIY किया था। मेरे दूसरे चैनल पे इसका वीडियो भी होगा, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिर्फ ये जो अमेज़न वगैरह के डब्बे आते हैं उसी को कट करके मैंने इसे बनाया था और इसके अंदर मैं स्पैगेटीज रखती हूँ पिछले 3 साल से, तो काफी अच्छे से चल रहा है ये। तो इसके साथ साथ मैं अब बारी आती है टॉप शेल्फ की। टॉप शेल्फ पे मेरे सारे के सारे नाइट सूट्स रहते हैं, उसके साथ साथ मेरे एक साइड पे सारे बॉटम वेयर और जो मेरे फुल नाइट सूट्स हैं वो रखे हैं, और एक साइड पे मैंने सारी जो मेरी नाइट वेयर टॉप रहते हैं उन्हें रखा है, यानी टी शर्ट्स होती है, मैं लूज टी शर्ट्स पहनना पसंद करती हूँ तो वो रखे हुए हैं, और एक साइड पे मेरे सारे बॉटम्स हैं, जैसे कि जीन्स मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे पास जीन्स रखी हुई है, जितने भी प्लाजोज वगैरह है सब मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं। और उसके बाद ऊपर हैंगर्स में मैंने टांगे हैं मेरे जो टॉप, जो अच्छे अच्छे टॉप्स हैं, पार्टी वेयर टॉप्स हैं या फिर मैं वीडियोज में जिन्हें पहनना पसंद करती हूँ, वो टॉप मैंने ऊपर हैंगर्स में टांगे हैं। हैंगर्स में ज्यादा स्पेस नहीं है मेरा, पर मैंने पीछे का स्पेस खाली रखा हुआ है ताकि कपड़े जो है वो मैं आयरन करके रखूं तो वो मुचड़े नहीं, तो काफी ज्यादा मुसे नहीं, तो इस तरीके से मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो इस तरीके से फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लगती है। अब बारी आती है मेरे
ऑर्गेनाइजर मेरा सेकंड जो ड्रॉर है उससे पहले बीच में मिडल में मेरी ड्रेसिंग टेबल आ जाता है, जिसका मैंने टूर आप लोगों के साथ ही शेयर किया था, उसका क्लीनिंग कैसे किया मैंने, वो सब मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। सेम वैसे ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस मैंने उसमें किए नहीं है। उसके साथ साथ मेरा जो सामान आता है, जैसे स्किन केयर हो गया या पीआर हो गया, जो वीडियोस के लिए मुझे यूज होता है, वो सारा सामान मैंने टॉप शेल्फ पर डाला हुआ है। जिनकी वीडियोस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं उन्हें मैंने उनको मैंने सारे टॉप शेल्फ पर रखा हुआ है, जिनकी वीडियोस डन है उनको नीचे, और जिन जो मुझे देने हैं मतलब मेरे कजन्स वगैरह को मुझे गिफ्ट करने हैं वो मैंने नीचे रखे हुए हैं। कुछ एक पीआर आइटम्स है, एक्चुअली मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा पीआर है, थोड़ा बहुत पीआर जो आता है वो रखा हुआ है सामान, तो वो रखी हुई हैं। और जिसमें से कुछ एक आइटम्स ऐसी हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिव्यू दे सकूं, तो उनको मैंने ऊपर ऊपर बास्केट में रखा हुआ है। इनके रिव्यूज भी बहुत जल्दी अनुप्रिया लवली यू पे आएंगे या दैट इंडियन ग्लैम गर्ल पे भी काफी सारे वीडियोज आने वाली है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो उसके बाद जो है अब बारी आती है नीचे वाले शेल्फ की, तो वहां पर जितने भी मेरे बेडशीट्स, एक्स्ट्रा बेडशीट्स या नई बेडशीट्स होती हैं वो रखी हुई हैं। एक दो लहंगा है जो मेरी कजन का है जो मुझे उसे देना है, तो वो सामान रखा हुआ है। और थोड़ा सा मैंने वही सामान रखा हुआ है जो मुझे डोनेट वाले कपड़े देने हैं उन्हें रखा हुआ है। और उसके नीचे वाले शेल्फ पे सारा रेंडम स्टफ है जो नॉर्मली दिवाली पे मुझे यूज आएगा, लाइट्स वगैरह एंड ऑल, और या फिर घर का थोड़ा बहुत सामान, तो वो रखा हुआ है। उसे भी मैंने अमेजोन के एक बास्केट के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है जिसके ऊपर लिड लगाई हुई है। तो इस तरीके से ये वाली मेरी दोनों अलमीरास जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई है। अब बारी आती है मेन रूम में जहां पे है मेरे हस्बैंड की अलमीरा। उनकी दो अलमीरास हैं जिसमें से दो शेल्फ जो टीवी के साइड वाली है उसके अंदर से भी उनके दो कपड़े हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं और उन्हें अपने कपड़ों को सेग्रीगेट करके रखना ज्यादा पसंद है। तो उनकी जो टॉप शेल्फ है वहां पे उनके जो वो टी शर्ट्स, कॉलर वाली टी शर्ट्स होती हैं वो पड़ी हुई हैं। नीचे जो है उनके सारे के सारे आयरन की हुई शर्ट्स होती हैं, क्योंकि वो टांग कर रखना पसंद नहीं करते तो वो लपेट कर रखते हैं, जैसा कि हम बाजार से कराते हैं। शर्ट सिर्फ बाजार से मैं प्रेस करवाती हूँ, बाकी सब कपड़े मैं घर पर आयरन करती हूँ, तो वो रखी हुई है। एक साइड पे नाइट वेयर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, जो वो घर पे पहनने के कपड़े होते हैं वो उनके पास टी शर्ट्स बहुत सारी है, मतलब इतनी सारी है कि मैं उसे टाइम टू टाइम डोनेट भी करती रहती हूँ तो भी इतनी सारी हो जाती है। तो उन्हें कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक है, तो काफी सारे कपड़े हैं, तो इस तरीके से रखा हुआ है। नीचे उनकी पैंट्स आ जाती हैं, डेनिम्स आ जाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो तो उसके साथ साथ उनके डेनिम्स रहते हैं, उनकी रनिंग के कपड़े रहते हैं, उनके वर्कआउट क्लोथ्स रहते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक रेंडम स्टफ जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं। और इधर मैंने एक ऑर्गेनाइजर जो है साड़ी ऑर्गेनाइजर, इसमें सारे उनके विंटर वेयर्स डाल के रखे हैं, सभी नहीं जो नॉर्मली ज्यादा यूज होते हैं वो कपड़े रखे हुए हैं। और आगे आ जाते हैं, देन ये सारी कबर्ड हो गई, देन जो ड्रॉअर के साथ वाले हैं वहां पे सारे उनके बास्केट के अंदर मैंने एक साइड पे उनकी सारी के सारी वेस्ट रखी हुई है, और एक साइड पे सारे बॉक्सेस हैं, और एक बास्केट के अंदर उनके जितने भी सॉक्स रहती हैं वो रखी हुई हैं, और साथ में ही मैंने हैंकी रखे हुए हैं वहां पर। तो इस तरीके से उनका रैंडम स्टफ रहता है, और जितने भी वो डियोज वगैरह यूज करते हैं वो साइड पर रखे हुए हैं। तो ये तीन बास्केट्स जो है इनकी ही हैं, तीन शेल्फ इनके ही हैं। तो इस तरीके से कुछ हम क्लीनिंग करते हैं, इस तरीके से हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। आई होप आपको कुछ टिप्स मिली होंगी, जो भी मैंने ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Everything का नेचुरल इंटीमेट वॉश जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, 100% नेचुरल है, जो अनप्लेजेंट ऑडर को दूर करता है, इचिनेस इरिटेशन को दूर करता है और इन्फेक्शन को दूर करता है, वर्जाइनल हाइजीन को मेंटेन करता है, वर्जाइनल मॉइस्चर को लॉक रखता है और एवरीडे फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, 180 रुपीज़ का है और इजीली आपको हर जगह पे अवेलेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं।